दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर से YouTube चैनल टेक्निकल ब्रांच में। दोस्तों हम सभी के फोन में एक एप्लीकेशन होता है जिसका नाम होता है कैलेंडर। तो हम लोग सोचते हैं कि यह कैलेंडर एप्लीकेशन का काम है सिर्फ डेट तारीख दिखाना और किस त्यौहार कौन दिन को पड़ता है वह दिखाना। तो ऐसा नहीं है दोस्तों, यह कैलेंडर एप्लीकेशन का काम सिर्फ यही नहीं है। आपके कैलेंडर एप्लीकेशन में एक ऐसा खतरनाक का खुफिया सेटिंग छिपा हुआ है जो इससे पहले शायद ही आप लोग जानते होंगे। जी हाँ फ्रेंड, इस कैलेंडर एप्लीकेशन के अंदर में एक बहुत ही जबरदस्त खुफिया ट्रिक छिपी हुई है। यह ट्रिक आप लोग जान जाएंगे तो कहेंगे कि यार ये तो बहुत ही कमाल की ट्रिक है इसके अंदर। तो फ्रेंड उसी ट्रिक के बारे में आज हम आप लोगों को बताएंगे। यदि आप जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा, पूरा सीखिएगा। तो आइए दोस्तों इस वीडियो में हम आपको बताते हैं कि आखिर वो कौन सी खुफिया ट्रिक है। तो फ्रेंड वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमें आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन पर दबाकर ऑल के ऊपर में क्लिक कर दीजिए। तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं और बताते हैं आपको इसी ट्रिक के बारे में। तो आइए फ्रेंड बताते हैं कैलेंडर एप्लीकेशन के बारे में। तो दोस्तों देखिए, एक हमारे फोन में कैलेंडर एप्लीकेशन जो फोन की तरफ से मिलता है वह है, और एक एप्लीकेशन होता है जो कैलेंडर, जो मैं आपको बताऊंगा डाउनलोड करने के लिए। जी हाँ फ्रेंड, इस एप्लीकेशन को आपको डाउनलोड करना है, यह भी कैलेंडर एप्लीकेशन ही है। इसको कहां से डाउनलोड करना है सब कुछ बताऊंगा। इस पर आपको टैप करना है। अब जैसे ही दोस्तों इस पर टैप करोगे तो आपके सामने ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। आपको यहां पर थोड़ा सा दबा कर रखना है। जैसे दबा कर रखोगे तो यहां पर आपको अलाउ के लिए कहेगा, तो बस आपको अलाउ कर देना है। अब जैसे अलाउ करेंगे तो यहां पर देख सकते हैं कि आपको एक पासवर्ड लगाने का ऑप्शन आता है। तो आप अपने हिसाब से एक 4 अंक का पासवर्ड रखिएगा, उसके बाद कंफर्म पासवर्ड डालिएगा। जैसे डालेंगे तो यहां पे सिलेक्ट क्वेश्चन का ऑप्शन आएगा, तो आपको अपने हिसाब से कोई सिलेक्ट क्वेश्चन कर लेना है। जैसे यहां पर मैंने लिख दिया हूं कि फेवरेट मूवी नेम, तो अपना मूवी नेम मैं जो भी देना चाहता हूं मैं दे सकता हूं। तो मैं अपना मूवी नेम यहां पर दे देता हूं, उसके बाद में सेव कर देना है। तो जैसे ही दोस्तों आप यह सारा काम कर देंगे तो एक नया फाइल ओपन हो जाएगा। यहाँ पर इमेज, वीडियो, ऑडियो और नोट्स का एक ऑप्शन खुलेगा। यह क्या है कि आपको कैलेंडर एप्लीकेशन के अंदर में यह एक खुफिया सेटिंग छुपी हुई है। यहाँ पर आप अपनी कोई इमेज ऐसी है जो आप गैलरी में नहीं रखना चाहते हैं, कोई वीडियो ऐसी है जो आप गैलरी में नहीं रखना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि वह गैलरी में वीडियो रहेगा तो घर का कोई सदस्य या अपना कोई दोस्त देख लेगा, तो आप उस वीडियो को, इमेज को, ऑडियो को, नोट्स को यहाँ छुपा कर रख सकते हैं। तो कैसे रखेंगे मैं आपको इमेज का बताता हूं। तो यहां पर इमेज पर क्लिक करना है। जैसे इमेज पर क्लिक करेंगे तो यहां पर न्यू एल्बम का ऑप्शन आएगा और प्लस का आइकन आएगा। प्लस का आइकन पर क्लिक करके यदि कोई फोल्डर बनाना है तो बना लीजिए, नहीं तो न्यू एल्बम पर क्लिक कर दीजिए। जैसे क्लिक करेंगे तो ऐसा इंटरफेस आएगा। इस प्लस के आइकन पर एक बार टैप करना है। अब जैसे टैप करेंगे तो आपके फोन की गैलरी ओपन हो जाएगी। अब आपको यहां पर कोई इमेज ऐसी है जो आप छुपाना चाहते हैं तो उस इमेज को आपको यहाँ पे टिक करना है। मान लीजिए मुझे ये 2-3 इमेज छुपाना है। आप चाहें तो अपने हिसाब से जितने इमेज छुपाना चाहते हैं छुपा सकते हैं। तो मैं यह 4-5 इमेज ले लेता हूँ। उसके बाद में यहाँ पे ताला का आइकन है, ताला के आइकन पे क्लिक कर देना है। अब जैसे ताला के आइकन पर क्लिक करेंगे तो आपका क्या होगा कि गैलरी से इमेज हट गया और इस कैलेंडर एप्लीकेशन में आ गया। उसी तरीके से आपको यहाँ पे क्या करना है कि अगर कोई ऐसी वीडियो है जो आप छुपाना चाहते हैं तो आपको वीडियो पर क्लिक करके उस वीडियो को उठा लीजिए, ऑडियो है तो ऑडियो को भी उठा लीजिए। अब मैं यहां से कट कर बाहर निकल जाता हूं। अब देखिए दोस्तों, यदि मान लीजिए आपका फोन है कहीं पर रखा हुआ है और आपका कोई दोस्त आता है और इस कैलेंडर एप्लीकेशन पर जब क्लिक करेगा तो क्या होगा कि यहां पे कैलेंडर दिखाई देगा। ठीक है, आज क्या तारीख है, 21 तारीख है, 21 फरवरी 2020, यहां पर दिखाई देगा। कहीं अगर टैप भी करेगा तो कुछ होने वाला नहीं है, लेकिन इसके अंदर में जो आपकी फोटो वीडियो छिपी हुई है वह कैसे देखेंगे आप। यहां पर जो आपको टाइमिंग दिख रहा है यहां पे आपको दबा के रखना है। अब जैसे दबा के रखेंगे तो देखिए 4 अंक का जो आपने पासवर्ड डाला था वह पासवर्ड डालना है। अब जैसे ही दोस्तों आप 4 अंक का पासवर्ड डालेंगे, जैसे 4 अंक का पासवर्ड डालेंगे तो दोस्तों कोई ऐड आएगा, फ्री का एप्लीकेशन है, ऐड आता है तो ऐड देख लीजिएगा। तो ऐसा इंटरफेस आएगा। अब इमेज पर जैसे ही आप क्लिक करोगे तो देख सकते हैं मैंने 5 फोटो छिपाया था, तो 5ों फोटो मेरी यहां पर दिखाई दे रही है और गैलरी में यह फोटो नहीं दिखने वाली है। अब तो इस तरीके से आप इस कैलेंडर एप्लीकेशन में अपनी प्राइवेट चीजों को छिपाकर रख सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में यही बता रहा था। अगर इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाकर एप्लीकेशन को डाउनलोड कर आप भी अपने फोटो वीडियो को इस एप्लीकेशन में छुपाकर रख सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।